Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 8. Subject English class 6 के लिए है, ये हमें करनी है 2 अगस्त को. Students, इसमें हम vowels के बारे में पढ़ेंगे. We know A, E, I, O, U are vowels. जो English में 26 alphabets होते हैं, उनमें इन 5 को A, E, I, O, U को हम vowels बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, English में vowels होते हैं, और English alphabet में 5 vowels होते हैं. All other letters are consonants. और जो बाकी letters बच गए हैं 26 में से 5 subtract करेंगे 21 alphabets, उनको हम क्या बोलते हैं? Consonants बोलते हैं. Consonants को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं हम student. A. Look at the picture, then add vowels to complete each word. नीचे pictures दे रखे हैं, word दे रखा है, उनमें हमें vowels fill करके meaningful word बनाना है. ये किसकी पिक्चर है स्टूडेंट? प्रो. प्रो की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आर ओ सी. ये क्या है? बर्ड. बी आई आर डी. तो देखिए ओ आई, ये क्या है? वोवल. वोवल फिल कर रहे हैं और मीनिंग को वर्ड बना रहे हैं. ये देखिए ये क्या है? बोन. बी ओ एन टी. बोन. ये क्या है स्टूडेंट? बोल. ओके. ये क्या है स्टूडेंट? अब आगे देखिए काइट. ये क्या है? वेब. मकड़ी जो जाला लगाती है ना, उसको हम इंग्लिश में वेब बोलते हैं. ये किसकी पिक्चर है? हैंड. ये स्पेलिंग आपको लर्न भी करनी है. और ये क्या है स्टूडेंट? कार. कार. सी ए आर. तो इन वर्ड्स की आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है और ये अपनी वोकैबुलरी आपको ऐसे एनरिच करनी है. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. हाँ जी, और दो वर्ड्स और भी हैं. ये देखिए ये क्या है स्टूडेंट? डक. डी यू सी के डक. और ये क्या है? कप. सी यू पी कप. तो आपने देखा वोवल्स फिल करने से हर वर्ड में एक वोवल है. वैसे वोवल साउंड हर वर्ड में जरूर होती है. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद वोवल्स. अब एन जो है एक, एन का मतलब एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है. और एन कहाँ यूज करते हैं? जो वर्ड, जिस वर्ड के साउंड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होती है, उन वर्ड से पहले हम एन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एग. ई आया ना एन एग. एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. यू आया. एन आवल. ओ है देखो आवल. एन आइसक्रीम. आई है. तो हम क्या यूज करेंगे एक के लिए? एन. एन एंट. एन इंक पॉट. तो वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले स्टूडेंट क्या यूज करेंगे हम? ए. ए का मतलब भी एक ही होता है. वी यूज ए बिफोर नेम्स विच बिगिन विद द अदर लेटर्स कॉन्सोनेंट. जो वोवल के अलावा किसी और साउंड से स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से, उसके अलावा तो कॉन्सोनेंट साउंड ही बची. तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एक के लिए क्या यूज करेंगे? ए. फॉर एग्जाम्पल ए बास्केट. एक टोकरी. ए डॉल. एक गुड़िया. ए स्नेक. सर. तो हमने क्या यूज किया एक के लिए? ए. अब स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है, राइट ए और एन फॉर ईच वर्ड. अब ट्री. ट. टे साउंड है तो क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आएगा एक के लिए? ए. एप्पल. एप्पल किससे है? वॉवल साउंड से है, तो हम यूज करेंगे एन एप्पल. आइसक्रीम. एन आइसक्रीम. गोट. जी. जी साउंड जो है वो हमारी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले आएगा ए गोट. फिश. ए फिश. फॉर जो है कॉन्सोनेंट होता है, तो ए आएगा. सिक्स देखिए कंप्यूटर. कॉ. तो क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है. बॉक्स. बॉ. ये भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आएगा. जार. ज. ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा. मैंगो. मॉ. ये भी हमारी कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा. ऑक्टोपस. ओ. ओ देखो ये वॉवल साउंड है, तो इसमें एक के लिए क्या आएगा? एन आएगा. डॉग. ए डॉग. ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आएगा. ईगल. ईगल क्या है स्टूडेंट? वॉवल साउंड से स्टार्ट है, तो हम एन यूज करेंगे. एनिमल. अ. ये भी हमारी वॉवल साउंड है, तो एन एनिमल. अम्ब्रेला. अ. यू जो है हमारा वॉवल होता है ना, तो इससे पहले भी हमारा एन आएगा. ईयर. ई. ये भी हमारी क्या है? वॉवल साउंड है, तो इससे पहले भी हमारा एन आएगा. ये थी आज की आसान सी वर्कशीट. आपको स्टूडेंट पता लगाना कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनमें 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉवल साउंड्स, जो वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम एक के लिए एन यूज़ करते हैं, ए एन.
और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से होते हैं उनमें एक के लिए हम ए यूज़ करते हैं। तो ये थी आसान सी वर्कशीट स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।